बेबी, मैं इस ड्रेस में ज्यादा मोटी लग रही हूँ क्या? नहीं, मोटी तो नहीं लग रही, सही लग रही हो। बेबी, मैं इस ड्रेस में ज्यादा मोटी लग रही हूँ? अरे बेबी, मैंने तुम्हें बोला तो कि तुम इस ड्रेस में मोटी नहीं लग रही हो, सही लग रही हो। बेबी, मैं क्या कह रही हूँ कि मैं इस ड्रेस में ज्यादा मोटी लग रही हूँ? तो बेबी, मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ ना कि तुम इस ड्रेस में मोटी नहीं लग रही हो, सही लग रही हो। बेबी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कि मैं इस ड्रेस में ज्यादा मोटी लग रही हूँ? मैं भी ना तुम्हें आखिरी बार ही बता रहा हूँ, तुम इस ड्रेस में मोटी नहीं लग रही हो, ठीक है? आपको ये नहीं कहना है कि बेबी तुम मोटी नहीं लग रही हो। तो मुझे क्या ये कहना है कि तुम मोटी लग रही हो? नहीं, आपको ये कहना है कि बेबी तुम मोटी हो कहाँ जो तुम मोटी लगोगी। सुनो, जाओ मार्केट से सामान ले आओ। यार मैं कहीं नहीं जा रहा यार, मुझे बहुत ठंड लग रही है। यार ये ठंड वंड के ड्रामे मत करो, कोई ठंड नहीं है बाहर, जरूरी काम है, जाओ। अबे यार ड्रामे थोड़ी कर रहा हूँ, तभी तो कंबल में बुचा हूँ यार, प्लीज यार तुम ले आओ यार जाके। यार एक तो ना मैं आपसे और आपकी मम्मी से बहुत परेशान हूँ, आप कुछ सुनते नहीं हो, उनको कुछ सुनाई नहीं देता। सुनो, तुम चाहे मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोला करो, मेरे ना कंधे में आग लग जाती है। लग गई ना आग, गई ना ठंड, जाओ जाके अब सामान ले आओ। दोस्तों, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। और क्यों फोड़ना, अकेले चने ने भाड़ है? वो अकेला चना शांति से भाड़ में नहीं रह सकता, भाड़ तो उसको तब फोड़ना पड़ेगा जब उसकी शादी होगी, उसकी वाइफ आ जाएगी चनी, और वो चनी को रहना पड़ेगा सास ससुर देवरानी जेठानी ननद के साथ, अबे तब फूटेगा भाड़ तो। फिर भी अकेला नहीं फोड़ सकता, चनी की हेल्प लेके फोड़ेगा। सुनो, फ्री हो तो कपड़े धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। ठीक है, मैं धो दूंगी, सही है, मैं धो दूंगी। ये भगवान क्या जुलूम है यार, मैं ही धो लेता हूँ। ठीक है मम्मी, भाई को भेज देना, आप मैं आ जाऊंगी। अरे क्या यार, तुम ये सारा दिन माई के जाने की बातें करती रहती हो फोन पे। ठीक है ना, तो मैं फोन पे बात करूंगी, और मायके भी तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाओगे। ठीक है, तो कसम खाओ कि वापस भी तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ये भगवान क्या जुलूम। अरे अभी क्यों ले रहे दवाई, डॉक्टर ने 10 बजे के लिए बोला है। रोज 10 बजे दवाई लेता हूँ, कोई असर ही नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है वायरस भी हेलमेट पहन के बैठा है और उसको पता है कि 10 बजे दवाई आनी है। आज 5 घंटे पहले ले रहा हूँ, सोया पड़ा हुआ, सोते सोते को मारना है मैंने। बात कुछ समझ न आई। दुनिया में कई देशों के बीच छिड़ी लड़ाइयों की वजह से हमने इस बार का हमारा फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दिया है, वरना हमेशा हम पैसों की कमी की वजह से करते थे। आज तो मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली है, बादाम ठंडाई भी पी ली है, और तो 1 किलो पक्का सौंफ भी खा गई मैं, फिर भी मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ रही। अरे यार ये सब क्यों ट्राई कर रही हो, वैसे भी तुम्हारे कलेजे को ठंडक तो मेरे साथ कलेश करके ही पड़नी है।